आत्मा राम की आत्मकथा स्वामी जपानंद। स्वर्गाश्रम में तपस्या। एक दिन कंखल में श्री रामकृष्ण सेवाश्रम में विश्राम करके हरिद्वार दर्शन किया और अगले दिन ही ऋषिकेश चला गया। वहां के अन्न क्षेत्र में भिक्षा ग्रहण करने के बाद शाम को स्वर्गाश्रम जा पहुंचा। जगदम्बा की इच्छा से वहां सर्वप्रथम गिरिधारी नामक एक दक्षिणी ब्रह्मचारी से ही भेंट हुई। ये एक बड़े भले व्यक्ति थे। उनकी कुटिया के पास एक कमरा खाली था, उसी में उन्होंने मेरे रहने का प्रबंध कर दिया। वे कमरे दाता व्यवसायियों द्वारा साधुओं के ठहरने हेतु बनवाए हुए हैं। जंगल के भीतर कहीं एक तो कहीं एक साथ दो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। पत्थर की दीवारें और टीन की छत। सामने कल कल निनाद के साथ गंगा जी बह रही थी और चारों ओर पहाड़ तथा वन। बड़ा मनोहर दृश्य था। भिक्षा के लिए वहां तब भी अन्न सत्र था। रोटी दाल तथा चावल मिल जाता था। अन्न की चिंता नहीं रही और रहने को अपनी इच्छानुसार एकांत तथा मनोहर स्थान भी मिल गया। इसके लिए जगदम्बा की दया का स्मरण करके मैंने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अगले दिन उन्हीं दक्षिणी साधु के साथ भिक्षा करने गया। उन्होंने सबके साथ परिचय भी करा दिया। गंगा जी के किनारे एक विशाल पत्थर पर बैठकर हमने एक साथ भिक्षा का आहार किया। अंजलि भर भर कर खूब तृप्ति पूर्वक गंगा जल पिया। उस समय स्वर्गाश्रम में केवल 30 साधु थे। दिन बड़े शांति में बीतने लगे। खूब जप ध्यान करता। शाम को गंगा जी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर माँ का नाम लेता। कभी कभी दोपहर के समय अकेले घोर जंगल में घूमने चला जाता। बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी उन ब्रह्मचारी के साथ शास्त्र चर्चा भी होती। उनकी ठाकुर और स्वामी जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वे बेलूर मठ जाकर वहां कुछ दिन ठहरे भी थे। इसी बीच दो अल्पवयस्क बंगाली साधु भी आकर वहां रहने लगे। उनसे भी परिचय हुआ और माँ की इच्छा से वे भी मेरे प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते थे। ब्रह्मचारी हरिदास नाम के एक बंगाली साधु वहां पहले से ही रहते थे, परंतु उनके साथ परिचय काफी बाद में हुआ। उन्होंने कुछ दिन वाराणसी और उसके बाद वृंदावन के श्री रामकृष्ण सेवाश्रम में सेवा कार्य किया था। बाद में उन्होंने ऋषिकेश के कैलाश मठ में संन्यास ले लिया था। वे बड़े भले त्यागी साधु थे और मेरे साथ खूब प्रीतिपूर्ण व्यवहार करते थे। स्वर्गाश्रम के पास करीब 2 मील एक बिल्व वृक्षों का जंगल है। उनमें छोटे छोटे परंतु खूब मीठे बेल होते थे। वहीं से कच्चे बेल तोड़ लाता और भूख लगने पर उन्हीं को भूनकर थोड़े से गुड़ के साथ खा लेता। फिर विचार आया, पुराणों में लिखा है कि ऋषि मुनिगण जंगल के कंद मूल फल आदि खाकर रहते थे। मैं भी चेष्टा करके देखूं कि केवल बेल खाकर रहा जा सकता है या नहीं, क्योंकि पूछताछ करने पर भी उस समय वहां बेल के अतिरिक्त अन्य किसी भी कंदमूल या फल की जानकारी नहीं मिली। यदि इस प्रकार केवल बेल ही खाकर रह सका तो जथेच्छा भ्रमण कर सकूंगा और किसी के पास अन्य के लिए भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। जो सोचा वही किया। करीब 20 दिन तक केवल बेल ही खाकर रहा। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। देह तथा मूत्र से भी बेल की गंध आने लगी। आखिरकार अन्न खाने को बाध्य हुआ। लेकिन आज भी सोचता हूँ कि यदि वैसे ही रह पाता तो इस जीवन में
कितना सुख साच्छंद्य भोग करता, किसी की परवाह नहीं करता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, लेकिन वह संभव नहीं हुआ, सब माँ की इच्छा। 10-11 महीने हो चुके थे। एक दिन सहसा स्वामी करुणानंद के साथ मठ के गो महाराज आ पहुंचे। उस समय शाम को 5 बजे होंगे। बोले, ठहरने की इच्छा से आया हूँ। मैं उनके भीरु स्वभाव से परिचित था, इसलिए बोला, आप मेरी कुटिया में रहिए, मैं कोई दूसरा स्थान देख लेता हूँ। उन दिनों वहाँ अनेक साधु थे, सभी अच्छी कुटिया प्रय भर चुकी थी। स्वर्गाश्रम की सीमा में ही लक्ष्मण झूला की ओर गंगा के किनारे 2 छोटे कमरे थे, परंतु वे अन्न सत्र से 1/4 मील दूर बिल्कुल निर्जन में थे। पास में अन्य कोई कुटिया न थी। मैंने वहीं जाने का निश्चय किया और उसे धो धा करके साफ किया, परंतु गो महाराज की औचित्य बुद्धि प्रबल हो जाने से वे बोले, यह बड़ा खराब दिखेगा, मैं ही यहाँ ठहर जाता हूँ। मैं बोला, यहाँ पर यदि आपको डर लगा तो आपके चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुन सकेगा, और इन दिनों इधर भालुओं का उपद्रव काफी बड़ा हुआ है। 2 दिन पहले ही जंगल में घास कटने गई एक पहाड़ी स्त्री को भालू ने मार डाला था, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और बोले, तुम मुझे व्यर्थ ही डरा रहे हो, यह घटना सच्ची नहीं है, मैं दरवाजे को भीतर से बंद कर लूंगा। यह कहकर वे वहीं रात बिताने चले गए। जारे का मौसम था, अंधेरी रात, हू हू की आवाज के साथ जोरों की हवा चल रही थी। ऋषिकेश में शीतकाल में सूर्यास्त के बाद से सुबह 9 या 9:30 बजे तक हिमालय के ऊपर से और गंगा के बीच से आंधी की तरह तेज हवा चलती है। दिन के समय कभी नहीं चलती, इसका कारण कोई नहीं जानता। रात के 1:30 बजे थे, मैं बैठकर जप कर रहा था। सहसा ब्रह्मचारी गिरिधारी मुझे जोरों से पुकारने लगे। उनकी कुटिया पास में ही थी, जल्दी से उनके पास गया। उन्होंने दूर स्थित एक कुटिया की ओर इशारा करते हुए कहा, लगता है वहाँ साधुओं और नागाओं के बीच कोई गड़बड़ हो गई है। वहाँ आज ही 2 साधु आकर ठहरे हैं, उनमें से एक अंधे है। वे लोग आपको गो महाराज के साथ वृंदावन से आए हैं, चलिए देखें कि क्या बात है। जाकर देखा तो वहाँ अद्भुत दृश्य था। हमारे गो महाराज नीचे बैठे थे और दूसरे साधु बड़े संकुचित होकर उनके पास खड़े थे। दूसरे कमरे से अन्य साधु चिल्ला रहे थे, भय की कोई बात नहीं, भय की कोई बात नहीं। नागा लोग नाराज होकर गो महाराज तथा उन दूसरे साधु से पूछ रहे थे, वे कौन हैं, कब आए हैं, इस कमरे में कौन रहते हैं, और वे दूसरे साधु इतनी रात गए क्यों आए हैं, आदि आदि। ये लोग इतने डरे हुए थे कि चुप रहकर थर थर कांप रहे थे। हमने नागाओं से पूछा, बात क्या हुई, तो बताया, हम लोग थोड़ी दूरी पर धुनी जलाकर चिलम पी रहे थे, तभी इस कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। आकर देखा कि वे बैठे थे और दूसरे साधु खड़े थे और दोनों ही एक दूसरे को जकड़े हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हमें देखकर चुप हुए और एक दूसरे को छोड़ा, शायद वह चोर है। हमने बताया, ऐसी बात नहीं है, आप शांत हो जाइए, वे हमारे परिचित है, पूछता हूँ कि क्या बात है। मैंने पूछा, क्या बात है महाराज, अच्छा कमरा छोड़कर इस कुटिया में क्यों आए, सब बताइए, इन्हें संदेह हुआ है। महाराज, मुझे डर लगने लगा, इसलिए रात को करीब 9 या 9:30 बजे यहाँ आया। पहले सोचा कि तुम्हारे पास जाओ, परंतु तुम्हारे भजन में बाधा डालने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए हम इनके साथ यहाँ आ गए। मैंने नीचे बिस्तर बिछा लिया और दूसरे ने खाट के ऊपर। मैं बैठकर जप कर रहा था और तंद्रा सी आ गई थी। इतने में ऐसा लगा कि कोई भालू आकर मेरे ऊपर गिर पड़ा है, इसलिए मैं डर कर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ।
फिर जब नागा रोशनी लेकर आए तो देखा वे दूसरे साधु थे। दूसरे साधु बोले, मैं भूल गया था कि वे भी इसी कमरे में हैं। रात को नींद में ही दरवाजा खोल दिया और जब लघु शंका करके लौटा तो इनके ऊपर गिर गया और इनके पकड़ने से मुझे डर लगा कि शायद भूतों ने पकड़ लिया है। सब कुछ सुनकर हम सभी बहुत हंसे। फिर मैंने नागा लोगों को पूरी घटना हिंदी में समझा दी। वे भी हंसते हंसते चले गए और हम भी खूब हंसते रहे। मैंने महाराज से कहा, इसीलिए कहा था कि आप उस कमरे में नहीं रह सकेंगे। यदि मेरी बात मान लेते तो ऐसी घटना नहीं होती। सुबह सबको ज्ञात हो जाएगा और सब हंसेंगे। तुम ही ने तो भालू की बात बताई थी, इसीलिए ऐसा हुआ। मैं रात को ही महाराज को अपने कुटिया में ले आया और खाट पर उनका बिस्तर लगा दिया। सुबह मैं दूसरी कुटिया में चला गया। मेरी कुटिया के पास एक उड़िया साधु रहते थे, उनसे थोड़ा ध्यान रखने को कह दिया। 6-7 दिन बाद ही महाराज लौटने के लिए व्याग्र हुए और मुझसे कहा, मुझे टिकट कटाकर ट्रेन में बिठा दो। मैंने धन स्पर्श न करने का व्रत लिया है। मैं बोला, पैसे आपके कमरे के कोने में बांध देता हूँ, स्टेशन पर किसी से टिकट कटवा लेना। परंतु उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ही टिकट कटना होगा। इसके लिए मुझे बैर्थ ही 13-14 मील पैदल चलना पड़ता, क्योंकि ऋषिकेश रोड स्टेशन वहाँ से करीब 7.5 मील दूर था। अब तो स्टेशन शहर के पास ही हो गया है। साधु बनने की इच्छा से आए हुए एक बंगाली ने मुझसे यह भार ले लिया। जय श्री रामकृष्ण।